الحمد لله رب العالمين نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القران ترتيلا وقال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خيركم من تعلم القران وعلمه آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله अल्लाह इज्जत का बेपाया करम उसका फ़जल और उसका एहसान हुआ कि उस खाली की कायनात ने एक बार फिर हमें इल्म दीन सीखने और सिखाने की तौफी को शहादत अदा फरमाई और ये जो इल्म है आज की जो क्लास है जो हमारा सेशन चल रहा है वह काम तजवीद के हवाले से चल रहा है और क़ुरान की तजवीद का इल्म हम सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं जिसके बारे में अकाली सलाम ने इरशाद फरमाया ख़रकुम मनतामाना वमा तुम में से बेहतरीन वो है जो कुरान को सीखे और सिखाए। तो ये अल्लाह इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम हो गया कि हमें घर बैठे ऐसी सहूलत मैसर आ गई ऐसे मौाक़े हमें मिल गए कि हम घर बैठे क़ुरान को सीख रहे हैं और कुरान को सिखा रहे हैं तो ये अल्लाह तबारक व ताली का खास खास फजल खास है अल्लाह इज्जत से दुआ है हमें में हयात इल्म दीन सीखते और सिखाते रहने की तौफीक को सदत अता फ़रमाएँ जिसके बारे में अगर बात की जाए तो आका अली सलात वसलम इरशाद फरमाते हैं कि जब बंदा इल्म दीन की राह में निकलता है तो अल्लाह तबारक व ताल उसके लिए जन्नत के रास्ते आसान फरमा देता है समुंदर में मौजूद मछलियाँ उसके लिए इस्तिग़फ़ार और दुआए खैर कर रही होती हैं और अकाली सलाम एक सहाबी से महव गुफ्तु थे तो दौरान गुफ्तु ही अकाली सलाम पर वही नाजिल हुई वही के जरिए अकाली व सलाम को बताया गया कि जिन सहाबी से आप महवे गुफ्तु हैं जिनसे गुफ्तु फरमा रहे हैं उनकी जिंदगी की एक सात बाकी है एक घड़ी बाकी रह गई है एक घंटा बाकी रह गया है तो आकात वसलाम ने उन सहाबी को बताया कि आपकी ज़िंदगी की एक साथ बाकी रह गई है कुछ ही लम्हे बाकी रह गए हैं तो उन सहाबी ने मुशतरब होकर आका सलात वसलाम से कहा या रसोल्ला सल्ला वाल मेरी ज़िंदगी की एक साथ बाकी है मेरे लिए इस वक्त कौन सा काम ऐसा है कि जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुफीद हो सबसे ज़्यादा नफ़ा बख्श हो जो मेरे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा हो तो आका सलात सलाम ने इरशाद फरमाया सहाबी इल्म इल्द दीन सीखने में मशगूल हो जाओ आका सलात सलाम दूसरे आमाल भी बता सकते थे कुछ ख़ास इबादत बता सकते थे लेकिन आका सलात सलाम ने इरशाद फरमाया कि दीन हासिल करने में मशगूल हो जाओ क्यों क्योंकि अकाली सलात वाम की दूसरी हदीस भी है कलीली खैर उमिन कफ़ीर इबादा कि थोड़ा सा इल्म बहुत सारी इबादत से ज़्यादा फोकियत रखता है अफजलियत रखता है जब थोड़ा सा भी इल्म आ गया तो उसकी फ़ोकियत ज़्यादा हो गई उसका मरतबा ज़्यादा हो गया अरबी का एक मकोला है अल्मिमा अमल वबाल बगैर इल्म के बग़ैर जो है अमल के इल्म जो है वो बेकार है वल अमल उमा वबाल और अमल है इल्म है ही नहीं आप अमल करते जा रहे हैं ये वबाल है वल जम उ बई हुमा कमाल और जब इल्म भी आ गया अमल भी आ गया फिर है कमाल तो इल्म आ जाए और अमल आ जाए फिर बंदा कमाल के रुतबे पर पहुँचता है तो बगैर इल्म के अमल कर रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है बगैर अमल के आप इल्म दीन हासिल कर रहे हैं उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है कोशिश ये करें दोनों को आप जमा कर लें कि इल्म भी आए और अमल भी आ जाए तो फिर बंदा कमाल के रुतबे पर पहुंच जाता है तो यकीनन ये, ये एक छोटी सी काविश है जो हमारी आई आईटी टीम की तरफ से ये जारी व सारी है और इनका हमेशा से किरदार रहा है हमने दीगर कोर्सेज़ आपके सामने पेश किए हैं जिसमें से सर फहरस हमने फ़ैम दीन करवाया उसके बाद फिर हमने फ़ैम दिन सेशन टू करवाया फिर व तदफीन करवाया इस्तबाल माह कोर्स करवाया मुबल कोर्स हमने करवाया तजह व तकफीन हमने करवाया वह दीगर कोर्स हम गाहे ब गाहे ऑनलाइन आपकी खिदमत में लेकर हाजिर होते रहते हैं तो आप भी इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ अपने पूरी फैमिली को इससे अटैच करें ताकि वो भी इससे जो है वो फ़ायदा हासिल करें और अपने रिश्तेदारों से अपने रिलेटिव से अपने फ्रेंड से अपने अहबाब से अपने दोस्तों से इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें ताकि आपका हिस्सा भी इसमें शामिल हो जाए और वो कुछ दीन की बातें आपके तवसल से सीख जाएं इसका सवाब आपको भी जो है वो मिलता रहेगा तो आप जो है आप इसको जो है आम करें अपने स्टेटस पर अपने फेसबुक पर, पर सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर आप इसके लिंक को आप इसकी तशहर जो है वो कर सकते हैं ताकि आपका भी हिस्सा शामिल हो जाए तो ये जो हमारा कोर्स है आज अलहमदिल्लाम तजवीद की आज अलहमदिल्ला छठी क्लास है और तकरीबन पता ही नहीं चला इसकी आज जो है वो छठी क्लास हमारे दरमियान है और तकरीबन बेशर हमने कवायद इसके जो है हमने सीख चुके हैं बुनियादी तौर पर हमने जो है बात शुरू की थी मखारिज के हवाले से फिर हमने हरक़ पर बात की तनवीन पर बात की हमने हरफ मद्दा पर बात की हरफ लीन पर बात की हरूफ कलकला पर बात की और हमने नून साकिन के कवायद पढ़े उसके चार कवायद हमने आपके सामने रखे और माशाल्लाह से बहुत अच्छा लगता है कि आपका भी इसके अंदर हिस्सा शामिल होता है जस्तजू आप दिखाते हैं आप जो है अपना भरपूर इसके अंदर हिस्सा मिलाते हैं तो आपको असाइनमेंट यहाँ से दिया जाता है दोस्तों का ये जज्बा है कि वो जो है बर वक्त उससे निकालते हैं और हमारे एडमिन हज़रा तक जो है वो शेयर करते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको सलामत रखे और कुरान करीम के हवाले से जो सीखना चाह रहे हैं तगुदु कर रहे हैं तो अल्लाह इज्जत उन सब को अजर अजीम आता फरमाएँ क्योंकि जो कुरान करीम को बेहतरीन अंदाज से पढ़ता है कुरान करीम की अच्छी तरह से तिलावत करता है तो हदीस करीम का मफहूम है कि आका सलाम उस बंदे पर फ़ख्र करते हैं और आका सलात असलम नेज़रत ताला अन्हु के लिए बारगाह इलाही में अपने दोनों हाथों को उठाकर कहा था अलहदल लदीजा आला मिसल हूफ़ी उम्मीदी के तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह रब्ल के लिए हैं कि जिसने मेरी उम्म में ऐसे लोगों को पैदा फरमाया कि जो कुर करीम पढ़ते हैं उसकी तिलावत करते हैं उससे सुनते हैं उसे समझते हैं तो कुरान करीम हमें मिल गया है तो कुरान क़रीम में अपना लगाव जोड़ें अपना इंटरेस्ट दिखाएँ कुरान करीम को बेहतर से बेहतर तरीन तरीक़े से पढ़ने को सीखें उस पर जद्दोजहद करें कोशिशें करें अकाली सलाम ने इशात फ़रमाया, जो कुरान क़रीम में माहिर होता है बेहतरीन तरीके से तिलावत करता है तो अल्लाह इज़्ज़त जो है उसको ये मकाम और मर्तबा अता फ़रमा देता है के मोजिज़ और बुज़ुर्ग फरिश्ते उस बंदे के साथ रहते हैं कि जो क़ुरान करीम को बेहतर तरीके से पढ़ता है अच्छे तरीके से अच्छी अदायगी के साथ पढ़ता है कि जिस तरह अल्लाह इज़्ज़त ने उसे नाजिल फ़रमाया है बास अहबाब जो है वो इसलिए कुरान नहीं पढ़ते कि भाई हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं तो हमें दुश्वारी होती है हम अटक अटक कर पढ़ते हैं ऐसा ना हो कि हम से कोई गलत गलती हो जाए और वो कुरान करीम को खोल कर भी नहीं देखते उसे पढ़ते भी नहीं हैं उनकी ज़बान में अगर लुनत है तो वे सोचते हैं लेकिन अकाली सलात वसलम ने इर्शाद फरमाया कि जिसे कुरान करीम में दुश्वारी होती हो अटक अटक कर पड़ता हो तो अल्लाह इज़्ज़त उससे भी महरूम नहीं रखते बल्कि अल्लाह इज़्ज़त उसे भी दो अजर अता फरमाते हैं तो अल्लाह इज़्ज़त का हम पर ख़ास फजल है कि कुरान करीम हमारे दरमियान मौजूद है उसकी तिलावत करते जाए और फिर देखें कैसे सुकून आता है हमारे मामल किस तरह जो है निखरते हैं आज हम परेशान होते हैं रोजगार के हवाले से रस्क के हवाले से हमने कुरान करीम को छोड़ दिया क्यों छोड़ दिया क्योंकि हमारा इंटरेस्ट कुरान करीब में नहीं है आप जिस माहौल से अटैच रहेंगे आप उसी को जो है वो पिक करेंगे तो आपके लिए कोर्स इसीलिए लाया गया है ताकि आपको कुछ कुरान करीम के कवायद का पता होगी किस तरह पढ़ने हैं किस तरह कौन सा कायदा आपको जो है वो अदा करना है कहाँ कौन सा कायदा होगा बिल्कुल आसान तरीके से जो है वो ये कोर्स डिज़ाइन किया गया है और आपके सामने जो है वो पेश किया गया है ताकि आप जो है कुरान करीम की सही तरह से तिलावत कर सकें उसे पढ़ सकें उसे समझ सकें और आगे से आगे दूसरों को बता सकें तो अपने साथ लाजमी तौर तो पर जो है आप एक डायरी और एक आ, कलम अपने साथ रखें ताकि जो कवायद यहाँ पर सिखाए जाते हैं जो कानून आपको बताए जाते हैं आप उसे जो है वो नोट फरमा लें और जब आप क़ुर करीम का मताल करें उसे पढ़ें उसकी तिलावत करें तो आपके जहन में हो कि यहाँ पर कौन सा कायदा हो रहा है यहाँ गन्ना होगा यहाँ कौन सा मुद्दा हो रहा है या कौन कलकला हो रहा है या उस पर हो रहा है ये सारी चीज़ें आपके जहन में चल रही होनी चाहिए जिस तरह आप देखते हैं ख़बरों में पट्टी चल रही होती है तो आपके सामने जो है वो क़वायद आपके सामने चल रहे हों कि यहाँ ये कायदा हो रहा है फिर आपको जो है कुरान करीम पढ़ने में भी मज़ा आएगा बेहतरीन तरीके से जो है वो तिलावत कर सकते हैं कुरान करीम की तो पिछली क्लास में हमने जो है वो नून शॉकन और नून तनवीन के कवायद अलहमदिल्ला मुकम्मल किए थे नून शाकिन और तनवीन के चार कायदे हैं इजहार ईदगाम इकलाब अफा और अलहदिल्ला काफ़ी दोस्तों ने इजहार इकलाब इकलाबा की जो है अलहमदिल्ला पाँच पाँच मिसालें भी जो है हमें जो है वो शेयर की थी और इससे पहले भी जो है उर्फ़ मद्दा के उर्फ़ कलकला के हवाले से भी दोस्तों ने इस पर काम किया था तो इनशाला तबारक व आज जो है हम मीम साइन के कवायद पढ़ेंगे जिस तरह नून शॉकिन के कवायद थे कहाँ करना है कहाँ गुना नहीं होगा इसी तरह एजटिव हम जो है मीम साइन के कवायद भी पढ़ेंगे और इन आपके सामने जो है वो मिसालों के ज़रिए आपको समझाएंगे भी और जो है उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे साथ करेंगे और आप ख़ुद भी जो है उस मिसालों को जो है निकालेंगे कुरान करीम की तिलावत करेंगे ताकि आपको भी जो है उसका पता चले कि कहाँ कौन सा कानून हो रहा है और आप आसानी उसकी पहचान कर सकें तो इनशा तबारक व आज हम मीम साकिन के कवायद पढ़ेंगे और इनशाल्ल्ला तबारक वाली अगर वक्त रहा तो हम जो है वो तशदीद और जो है वो मुश्दत हरूफ के हवाले से भी इनशा तबारक व बात करेंगे तो सबसे पहले आज हम जो है वो मुश्दत हरूफ को ही पढ़ लेते हैं मशद हरूफ ठीक है वो हरूफ जिनके ऊपर तशदीद हो अब तशदीद किसे कहते हैं तशदीद ठीक है तीन दंदाने वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं ठीक है इस किसे कहते हैं तशदीद आप इस तरह के अल्फाज देखे होंगे कुरान में जो छोटा आप समझ लें कि डब्लू की तरह बना हुआ होता है या इस तरह बना हुआ होता है ठीक है तो इसे क्या कहते हैं तशदीद कहते हैं इसको किस तरह पढ़ते हैं मुश्दत हरूफ जिस हरूफ पर तशदीद हो उसे मुश्दत कहते हैं और मुश्दत हरूफ को दो मरतबा पढ़ते हैं एक मरतबा जो हरूफ है उससे मिला कर और दूसरी मरतबा जो उसकी खुद की हरकत है उस तरह पढ़ेंगे जैसे कि हमजा नून ज़ीर इन नून ज़बर ना इन ना ठीक है एक दफ़ा हमने इन मिलाया और फिर हमने जो है इसको पढ़ा कर हम इसको तोड़ें हमजा नून ज़ीर इन नून ज़बर ना ये दो नून है लेकिन इसको छुपा हुआ है ये दोनों को मिलाया हुआ है तो पढ़ेंगे क्या इन न ठीक है तो मुशद हरूफ को दो मरतबा पढ़ते हैं एक मरतबा खुद और दूसरी मरतबा एक मरतबा अपने से जो उसके पहली वाली जो हरफ है उसकी जो हरकत है उससे मिलाएंगे और दूसरी मरतबा जो उसकी खुद की हरकत है उसको पढ़ेंगे तो दो मरतबा हम जो है वो तजद वाले हरूफ को पढ़ते हैं जिन्हें हम कहते हैं मुश्द हरूफ जिस हरूफ पर तजदीद हो उसे क्या कहते हैं मुश्द ठीक है मुश्द हरूफ है तो मुश्द हरूफ को दो मरतबा पढ़ते हैं ठीक है अब ये कानून आप ये याद रख लें जैसे हमने अभी यहाँ पर गुन्ना किया हमज़ा नून ज़ेर इन नून ज़बर ना इन ना हमने यहाँ पर जो है गुन्ना किया क्यों गुन्ना किया क्योंकि कानून ये है कि नून मुशद और मीम मुशद में हमेशा गुन्ना होगा ठीक है नून मुशद और मीम मुशद में हमेशा गुन्ना होगा जैसे कि मिसाल के तौर पर जीब नून जबर जन नून खड़ा जबर ना जन ना तादो जीर तीन जन ना तीन, ये नून है और नून के ऊपर क्या है तजदीद है तो नून मुश्दत और मीम मुशद में हमेशा गुन्ना होगा जन तीन आपने जो है इसमें गुन्ना करना है इसी तरह मीम मुशद्दद हो जैसे कि मीम मीम जबर ज़ीर तीन उम मिन ठीक है तो नून पर तशदीद कहीं आ जाए और मीम पर कहीं भी तशदीद आ जाए तो आपने क्या करना है हमेशा गुन्ना करके पढ़ना है क्योंकि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद में हमेशा क्या होता है गुन्ना होता है ठीक है तो आपने जो है मुशद्दद हरूफ समझे कि मुशद हरूफ को दो मरतबा पढ़ते हैं एक मरतबा उससे पहले वाली जो हरकत है उससे मिलाकर और दूसरी मरतबा खुद जो उसकी हरकत है उससे उसके मुताबिक पढ़ते हैं ठीक है और नो मुशद और मीम मुशद क्या होता है हमेशा गन होता है ठीक है अगर दूसरा हरूफ मुशदत हो तो उसमें गन आप नहीं करेंगे ठीक है सिर्फ़ नून और मीम मुशदत में ही गुन होगा अब हम जो है मीम सा के कवायद पढ़ते हैं मीम सान ठीक है जिस तरह हमने नून साकिन के कवायद पढ़े थे इसी तरह मीम साकिन के भी कवायद हैं यानी मीम साकिन के बाद हमने देखना है क्या है क्या नहीं है तो मीम साकिन के कितने कायदे हैं मीम साकिन के तीन कायदे हैं ठीक है उनके नाम वही है जिस तरह आपने नून शानिन या तनवीन नून सान और तनविन में पढ़े थे इजहार इदग़ाम इकलाब इ पढ़े थे लेकिन इसमें इकलाब नहीं है बाकी के तीन हैं और शफावी यानी होटों से अदा होने वाले हर्फ जो है वो शफावी कहलाते हैं ठीक है क्योंकि मीम जो है वो होटो से अदा होता है तो मीम सा के तीन कायदे हैं सबसे पहला जो है वो ईदगाम शफावी ठीक है फिर जो है ईदगाम इजहा इलाबश अख्फा शफवी ठीक है और तीसरा जो है वो इजहार शफवी ठीक है मीम साइकिन के तीन कायदे हैं इदगाम शफवी इकफा शफवी और इजहार शफवी आपने इदगाम कायदा नून शॉकिन और तनवीन में पढ़ाता है ईदगाम का मतलब क्या होता है मिलाना एकफा एकफ़ा का क्या मतलब होता है छुपाना इजहार का मतलब क्या होता है जाहिर करना तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि किस में गुन्ना होता है और किस में गुन्ना नहीं होता है हमने इजहार के कायदे में पढ़ा था कि नून शॉकिन या तनवीन के बाद हुरफे हल्की में से कोई हरफा जाए तो वहाँ इजहार होगा यानी गुना नहीं करेंगे तो यहाँ पर भी इजहार शफवी जहाँ आएगा वहाँ गुन्ना नहीं करेंगे अख्फ़ा का मतलब क्या था कि हमने गुन्ना किया था हरूफ अफ्फ़ा जो है वो पंद्रह हरूफ हमने आपके सामने रखे थे कि कहाँ आपने किन हरूफ में गुन्ना करना है ईदग़ाम का मतलब होता है मिलाना आपने जो है एक लफ्ज़ को दूसरे लफ्ज़ से मिलाया था तो चलते हैं ईदगाम शफवी ईदगाम शफवी कब होगा ईदगाम शफवी ठीक है इदगाम शववी। इदगाम शववी इसको थोड़ा मिटा देते हैं गलत हो गया ठीक है तो मीम शाकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इजहार शफावी होगा यानी गुन्ना करेंगे ठीक है मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो वहां पर क्या होगा शफ़वी होगा यानी गुन्ना कर, कर पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हम इसकी मिसाल देखें अंतुम मून ठीक है ठीक अब देखें ये मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद क्या दूसरी मीम आ गई मीम साकिन देखना है और मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो इदगाम शफवी होगा यानी गुन्ना करके पड़ेंगे इधर भी गुन्ना होगा क्यों गुन्ना होगा नून साकिन है और नून साकिन के बाद हर्फ इख़फ़ा में से ता आ गया तो यहां पर भी गुन्ना करेंगे और यहाँ पर भी गुन्ना होगा क्योंकि मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो कानून ये है कि मीम साकिन के बाद जब दूसरी मीम आ जाए तो वहां इदगाम शफफी होगा यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे ठीक है इसकी दूसरी मिसाल हम इस तरह समझते हैं वलकुम मा कसब तुम मा कसब तुम ठीक है तो यहां पर भी देखें व मीम साकिन है मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ गई तो मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ जाए तो कायदा यह है कि वहाँ इदगाम शफवी होगा यानी गना करके पढ़ेंगे तो मीम साकिन के बुनियादी तीन क़ायदे हैं ईदग़ाम शफवी एफा शफवी और इधार शफवी के मीम साकिन के बाद दूसरी मीम आ गई तो वहाँ इधहार शफवी होगा यानी गन्ना करेंगे इसी तरह अफा शफवी कब होगा ठीक है मीम सा के बाद जब अगर हर बा आ जाए तो वहाँ इकफ़ा शफ़व़ी होगा यानी गाह करेंगे ठीक है अब इाय शफवी कब होगा कि मीम सान के बाद जब हर्फ बा आ जाए तो वहाँ पर क्या होगा अख्फा शफवी होगा यानि ग के पढ़ेंगे तो इसे भी मिसालों के ज़रिए समझें आलई कुम बकील ठीक है अब देखें यहाँ मीम साकििन है और मीम साकििन के बाद हर्फ बा आ गया तो मीम साकिन के बाद हर बा आ गया तो कानून यह है कि मीम साइकिल के बाद हर बा आ जाए तो वहां इकफा शफवी होगा यानी यहाँ पर भी गुन्ना करके पढ़ेंगे ठीक है इसी तरह जा अकुम बुरहान ठीक है बिल्कुल आसान आसान से कायदे हैं अगर आप एक मरतबा इसे सही से जहन में रख लेंगे याद कर लेंगे तो आपको जो है हमेशा ही याद रहेंगे और आपके कानून जो है वो जहन में रहेंगे अगर आप मिसालों के जरिए भी उसे समझते हैं मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद कौन सा हरफ आ गया ब गया जा अकुम रोहानुम ठीक है तो यहाँ पर भी आप गुना करेंगे अगर आपने इस तरह पढ़ा जा अकुम बुरहानुन तो आपने जो है वो तजवीद के कवायद के ख़िलाफ़ पढ़ा और जो है ये आपने लहन खफ़ी किया क्योंकि हर्फ की जिस तरह आपने पढ़ना था उसकी सिफ़ात के आपने ख़िलाफ़ पढ़ा है तो कौ जकुम ब रोहान अलई कु यहाँ पर भी गुना हुआ यहाँ पर भी गुना हुआ यहाँ भी हमने इदगाम शफवी में गुन किया था अन तुम वलीम कैसब तुम तो इन दोनों में गना हो गया ठीक है इदग़ाम में भी गुना हो गया इकफ़ा में भी गुना हो गया अब जो है हम इजहार शफवी का भी हम कायदा पढ़ लेते हैं और इजहार का मतलब क्या होता है ज़ाहिर करना तो आपको जो है इस बात से ही अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ पर गुना नहीं होगा तो आए इजहार शफवी का भी कायदा पढ़ लेते हैं कि कब इजहार शफवी होगा आपने ईदाम का तो पढ़ लिया कि जब यहाँ पर दूसरी मीम आ जाए ठीक है दूसरी मीम ठीक है और इफ़ा भी पढ़ लिया जब हर आ जाए ठीक है तो इसे आप जहन में कर लें बहुत आसान आसान से कवायद हैं सिर्फ़ हर बा आ जाए या दूसरी मीम आ जाए दूसरी मीम आ जाए तो ईदगाम शफवी और हर बा आ जाए तो या शफवी अब इधहार शफवी क्या है अब देखें अब मीम भी आ गई और बा भी आ गई अब मीम साकिन के बाद बा और मीम यानी मीम और बा के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ इजहार शफवी होगा कब होगा इजहार शफवी मीम साकिन के बाद मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ क्या होगा इजहार शफवी यानी गुन्ना नहीं करेंगे ठीक है यानी आपने सिर्फ दो कवायद याद कर लिए बा और मीम इसके अलावा कहीं भी मीम साकिन के बाद कोई भी हर्फ आ रहा है तो वहाँ कौन सा कायदा होगा इजहार शफवी का कायदा होगा अब इसको मिसालों से समझें कि लकुम दी ठीक ठीक है है लकुम अब मीम साकिन और मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ है दाल है तो कानून ये था कि बा और मीम के अलावा तो ना यहाँ पर बा है और ना यहाँ पर मीम है तो यहाँ पर क्या होगा इजहार शफवी होगा यानी आपने गुन्ना नहीं करना है कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई भी हर्फ आ जाए तो वहां पर गुन्ना नहीं करना है ठीक है इसी तरह आप जो है वो अक्सर नमाज में तिलावत करते हैं सूरतफ़ील की अलम ठीक तीक हमज़ा ज़बर आ, आ लाम मीम ज़बर लम अलम ता जबर ता अलम ता रॉ ज़बर अलम त तो यहाँ आपने गुन्ना नहीं करना है अगर कोई शख्स इस तरह पढ़ना अलम गुन्ना कर रहा है तो वो बिल्कुल गलत कर रहा हैलम तार गुन्ना आप नहीं करना है या सूरत में आप पढ़ते हैं लम यलिद ठीक है लाम मीम जबर लम या ज़बर या ठीक है लाम दाल जीर लिद लम या लिद ठीक है यहाँ पर भी आप तो गन नहीं करना लम या लिद पढ़ लें आप बिल्कुल गलत पढ़ लें यहाँ पर गना बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि मीम शाकिन है और मीम शॉकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इजहार होगा तो मीम सान के बाद या आ रही है तो यहाँ पर भी गन नहीं होगा ठीक है इसी तरह हमद मीम ज़बर अम ख़बर ख़ौ अम ख ज़बर बर अम खबर नून अलिफ ज़बर ना अम खबर ना ठीक है मीम साकिन है और मीम साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ गया खा आ गया तो कानून ये था कि मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई हरफ आ जाए तो वहाँ इजहार शफवी होगा यानि गुन्ना नहीं करेंगे अगर कोई शख्स इसको यूँ पढ़ रहा है अम खबर ना तो वो बिल्कुल जो है वो गलत पढ़ रहा है ठीक है मीम सा के बाद बा और मीम के अलावा कोई हरफ आ जाए तो इधार शफवी होगा मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए तो शफवी होगा जैसे कद जाम शफवी मीम सा के बाद दूसरी मीम आ गई जैसे में गुना करना है शफवी में गुना करना है और इधार शफवी में गुना नहीं करना है तो यह मीम साज हम हमने जो है वो कवायद पढ़े कि तीन कायदे हैं मीम साइकिन के और मीम साइकिन के हमने आपको सारे कवायद जो है वो मिसालों के साथ जो है आपको समझाए भी और यहाँ लिखे भी तो आप जो है इसकी भी हवाले से कुरान करीम की तिलावत करें और मीम साइकिन की जो है वो आप जो है वो मिसालें निकाल लें ग्य शफवी की भी आप जो है वो कोशिश करें पांच मिसालें निकाल लें फ़ाय शफवी की भी पांच मिसालें निकाल लें इधार शफवी की भी आप जो है वो पांच मिसालें निकाल लें ठीक है इससे होगा कि क्या कि आप जब कुरान करीम की तिलावत करेंगे तो आपको जो है जब एक दो दफ़ा आप देखेंगे नोट करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली जो है वो पता हो जाएगा कि कहाँ गुना होगा कहाँ गुनना नहीं होगा जब आप मिसालें निकालेंगे आपने एक सरसरी तौर तो पर बस पढ़ लिया हाँ चलो ठीक है लेकिन जब आप कुरान करीम की तिलावत कर रहे होंगे आप उस पर गौर वफिक नहीं करेंगे तो आपको पता ही नहीं होगा तो आप कुरान करीम की तिलावत करें और जो है उससे जो है वो वह ढूँढेंगे मीम साइकिल में इंगाम शफा भी कहाँ हो रहा है अखबार शफवी भी कहाँ हो रहा है और इधार शफा कहाँ हो रहा है तो जिस तरह आप जो है पिछले साहब का असाइनमेंट आप हमें जो है वो अरसाल करते रहे तो आप हमारे एडमिन हजरात को जो है वो ये पांच पांच मिसालें निकाल के इसको जो है वो वरसाल कर दें इसके इजाफी नंबर्स भी रखे गए हैं नंबर्स तो आपको मिलेंगे ही लेकिन असल चीज़ ये है कि आप कुरान करीम को सही तरीके से पढ़ना सीख जाएँ आपको पता हो कि कहाँ कौन सा कानून हो रहा है ठीक है तो आपको ये आना चाहिए कि अगर आपसे कोई पूछ ले मिसाल के तौर पर आपका जो है वो साहब ज्यादा आपका बच्चा ही आपसे पूछ ले कुरान करीम के मुतल सवाल कर ले उसे कारी साहब पढ़ा लें और हमारे पास अगर जवाब ना हो तो बच्चा क्या सोचेगा कि हमारे वालदे कुरान करीम का कवायद नहीं पता तो आप जो है उसे भी सीखें उसे भी समझाएं और जो है बच्चों को भी अपने साथ जो है अटैच करें आप जो है बिल्कुल आसान तरीके से ये जो है पढ़ाया जा रहा है ताकि आपके बच्चे भी जो है वो सही तरीके से तजवीद का इन जो है वो सीख सकें तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की हमारी ये क्लास जो है वो पसंद आई होगी अपना फीडबैक ज़रूर दें इन श्रा तबारक वाली अगली क्लास में मुलाकात होगी जब तक के लिए दीजिए इजाज़त अल्लाह नहीं की बात